तो कोनिच्चिवा गाइस, तुम हूं आपका अपना सपना वर्स वर्स और आज हम लोग बात करने वाले हैं नरूटो की बेटी हिमा और वारी पे। तो बोटो फैंस फिलहाल भाई एकदम पगला गए हैं क्योंकि भाई मांगा में सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। सब लोग भाई ये सोच रहे हैं कि कुरामा का कमबैक हो सकता है और हिमा वारी भाई उसकी एक जिंचूरी की है एंड इसी वजह से पूरा फैंडम एकदम सुपर एक्टिव हो चुका है और इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो लोंडो थ्योरीज पे बात करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि मांगा में सिचुएशन अभी क्या चल रही है। बोटो मांगा की चैप्टर 8 में जूरा और हिडारी कोनोहा आ चुके है नरूटो और साडा को ढूंढने के लिए एंड वो एनकाउंटर करते हैं हिमावारी उसके फ्रेंड्स को और बीच में भाई डेल्टा और कावाकी भी वहां आ जाते हैं एंड कावाकी और जूरा की फाइट होती है जिसमें जूरा वन शॉट कर देता है कावाकी को एकदम भाई उसकी गांठ तोड़। एंड इस चैप्टर के अंत में जूरा ने एक ऐसी बात बोल दी जिस वजह से भाई फैंडम पगला गई है। उसने कहा कि वो हिमावारी के अंदर से एक टेल भी उसको सेंस कर सकता है एंड इसी वजह से पूरे फैंडम का भाई बिल्कुल ऐसा हाल है। तो यार बकचोदी को साइड में रखते हुए थ्योरीज पे बात कर लेते हैं। तो तुम्हें नरूटो की होकागे सेरेमनी तो याद ही होगी, हाँ वही वाली जो वो अटेंड नहीं कर पाया था। एंड तब तुम्हें याद ही होगा कि हिमावारी और बोटो की फाइट हो गई थी और नरूटो उन दोनों की फाइट के बीच में आ गया था जहाँ हिमावारी ने नरूटो के पेट पे इतनी जोर की हिट कर दिया था कि भाई वो अनकॉन्शियस हो गया था। एंड लेटर ऑन नरूटो ने ये भी बताया था कि हिमावारी ने उसके चाकरा पॉइंट पे हिट किया था। एंड यार मेरा मानना ये है कि हिमावारी ने जब नरूटो के चाकरा पॉइंट पे हिट किया तब भाई उसने कुरामा का अच्छा खासा चाकरा एब्जॉर्ब कर लिया। और तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि टेल बीच कभी मरते नहीं हो, बार बार रिजरेक्ट होते रहते हैं। सो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारे भाई कुरामा का कमबैक हो सकता है और हिमावारी उसकी नई जिंचूरी की बन सकती है क्योंकि इसके पास में कुरामा का थोड़ा मोड़ा चाकरा बचा हुआ है। अच्छी लंड में दूसरी थ्योरी ये है कि हिमावारी के पास में टेल बीच का चाकरा इसलिए भी है क्योंकि उसके फादर के पास में साइड टेल बीच का चाकरा मौजूद है। अब तुम्हें ये बात तो याद हुई कि टीम 7 की जब मोमी कागुया से फाइट हुई थी शिपुडिन के एंड में तब भाई नरूटो के पास में साइड टेल बीच का चाकरा मौजूद था। एंड यह भी हो सकता है कि उस साइड टेल बीच का चाकरा मिक्स होकर हिमावारी में आ गया हो। एंड ये बोलना भी गलत नहीं है कि हिमावारी के अंदर 10 टेल्स भी बन चुका है क्योंकि जूरा ने कहा था कि वो खुद से सिमिलर टेल बीच को सेंस कर रहा है हिमावारी के अंदर से। तू थोड़ा सा बहन का लोड। एंड अब मैं आखिरी और फाइनल थ्योरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सेंस बनाती है। मुझे लगता है कि हमारी हिमावारी मोमी कागुया की रीइंकार्नेशन है। मजाक से हट के तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि नरूटो के पास में हागुरुमो का सिक्स पैथ का चाकरा मौजूद है और तुम्हें ये भी याद ही होगा कि हमारी मोमी हिनाटा भी हामुरा की एकदम प्योर डिसेंडेंट है और हागुरुमो और हामुरा ये दोनों बेटे हैं मोमी कागुया के। तो मेरा मानना ये है कि नरूटो और हिनाटा की जीन्स की वजह से जो कंटेन करते हैं हागुरुमो और हामुरा का चाकरा, ऐसा हो सकता है कि मोमी कागुया हमारे हिमावारी के अंदर रिजरेक्ट हो गई है क्योंकि भाई पहली भी मरी नहीं थी, वो सील ही हुई थी और ब्लैक डेथ के जरिए मादरा के बॉडी में रीइंकार्नेट हो गई थी। और अगर ऐसा सच में कुछ हुआ तो हमें एक और टेंजी ढूंढना पड़ेगा मोमी कागुया को हराने के लिए। बाकी यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और तुम्हें थ्योरीज कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यार मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो यार मुझे जाके यार वहां पे फॉलो कर लो। तो मैं अपना वर्स आप लोगों को मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आरा आरा सायोनारा।